जो खेलों का आगाज सीएम साहब ने खुद ने किया था, जो जिला स्तर पर आपने आगाज किया है, किस तरह से देखते हैं इन खेलों को? देखिए, ये राजस्थान आगे कैसे बढ़े, खेलों के अंदर राजस्थान कैसे आगे बढ़े, जीते राजस्थान, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है। जब ग्रामीण परिवेश में और शहरों में, जब ग्रामीण और शहर में खेल प्रतियोगिताएं होती हैं जिसमें बच्चे, महिलाएं, नौजवान, यूथ और बुजुर्ग सब पूरे राजस्थान में खेल रहे हैं, मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच को बधाई देना चाहूँगा कि पूरे राजस्थान में ग्रामीण स्तर के बाद आज शहर में जो जिला स्तरीय प्रतियोगिता है उसका उद्घाटन करने का अवसर मिला। आज सारे बच्चों की एक उत्साह देखकर बड़ी खुशी होती है कि राजस्थान में इतिहास में कभी इस तरह के गेम नहीं हुए, और बच्चों के जो ग्रामीण से या शहर से जो टैलेंट है उसको आइडेंटिफाई करा जा रहा है, उनको जिला स्तर से राज्य स्तर पर, फिर राज्य स्तर से राष्ट्रीय स्तर पर जाने का अवसर मिलेगा। खेल हमेशा मन, मस्तिष्क और शरीर को स्वस्थ रखता है, ऐसे ही हमारे यशस्वी ऊर्जावान मुख्यमंत्री जी की सोच है, और हम राजस्थान से जो खेलों के अंदर हम आगे बढ़ना चाहते हैं उसको लेकर मुख्यमंत्री। महिलाएं लहंगा लुंगड़ी में भी खेलती हुई, देखिए आप कितना उत्साह है। अभी रस्साकसी का आयोजन हुआ जिसमें आमेर और एक ग्रामीण जमवा रामगढ़ के सांगानेर के महिलाओं ने भाग लिया, कितना उत्साह है आप देखिए। मैं तो इसी तरीके से स्वस्थ भी रहेगा और आगे भी बढ़ने का अवसर मिलेगा बच्चों। एक इसके अंदर बात करें हेरिटेज नगर निगम में जिस तरह की उठापटक चल रही है, लगातार मुनेश गुर्जर और उनके पति के ऑडियो वायरल हो रहे हैं। देखिए, ये मुख्यमंत्री जी की सोच है, जीरो टॉलरेंस की सोच है, और हम कभी नहीं चाहते कि कोई भी भ्रष्टाचार पनपे राजस्थान में। इसको सोच के लेके चाहे कोई भी किसी भी पद पे, पूरे 5 साल आपने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि राजस्थान में जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार नहीं हो, उसको लेकर ये कदम उठाए गए हैं। बर्खास्त किया जाएगा? देखिए, अभी तो उनको नोटिस सर्व हुए, देखते हैं सरकार आगे इसमें क्या निर्णय लेती है। लेकिन आपके साथ अब देखने को मिल रहा है दो गुट बटे हुए हैं, एक तरफ आप तीन विधायक। हम सब एक हैं, हम सब सारे कांग्रेस के साथी हैं। वैचारिक मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं है। महेश जोशी जी का कोई अभी तक भी इसमें कोई बयान नहीं आया है, उनके पार्षद भी आप लोगों के साथ नहीं आए हैं? देखिए, पार्षद पूरे जयपुर के कांग्रेस के पार्षद हैं, किसी व्यक्ति विशेष के पार्षद नहीं है। मैं तो जो सारे राजस्थान में जिस तरीके जीरो टॉलरेंस की नीति पे सरकार काम कर रही है उसको लेकर हम सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे हैं, उसमें मुख्यमंत्री जी के अलावा हम सारे जितने भी लोग हैं, चाहे कोई जनप्रतिनिधि हो, विधायक हो। महेश जोशी जी भी कभी नहीं चाहते कि भ्रष्टाचार पनपे, ये उनकी भी सोच है। सुशील गुर्जर के जो ऑडियो आया है उसमें ये कह रहे हैं कि 2 साल तक तो सीएम भी नहीं हटा सकते, इस तरह का आरोप। देखिए, इसकी पुष्टि तो मैं नहीं कर सकता लेकिन सुना मैंने भी है। अब ये कहाँ, कैसे, कब, किसके साथ ये वार्ता हुई है, ये मैंने सुना जरूर है लेकिन इसकी मैं पुष्टि नहीं कर सकता। एरोगेंस है फिर भी, क्या लगता है ये, मतलब इसमें और एरोगेंस है इस तरह के बयान? निश्चित तौर से ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। एक समझदार जनप्रतिनिधि को मुख्यमंत्री जी के उस पर ऐसे बयान देना मैं समझता हूँ निंदनीय है।